और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में आज से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए हेली सेवाओं का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 1:30 पर यहाँ पहुंचेंगे और 353 करोड़ की लागत से तैयार नए टर्मिनल के फेज वन का काम पूरा कर लिया गया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में आधुनिक सुख सुविधाओं से लोगों को राज्य की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो टर्मिनल के अंदर आने पर राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की झलक भी देखने को मिलेगी और इन्हीं स्तंभों के सामने राज्य की कलाकृतियों को भी दर्शाया गया है। और टर्मिनल के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मंत्रालय यूकाडा के सहयोग में जौलीग्रांट एयरपोर्ट में आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नए टर्मिनल की शुरुआत करेंगे। 353 करोड़ की लागत से तैयार नए टर्मिनल के फेज वन का काम पूरा हो चुका है। टर्मिनल के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और पहले टर्मिनल के मुकाबले 10 गुना बड़ा ये नया टर्मिनल होगा और नए टर्मिनल में पीक आवर में 1800 पैसेंजरों को हैंडल किया जा सकेगा और चेकिंग काउंटर की संख्या भी बढ़कर 36 हो चुकी है। और साथ ही नए टर्मिनल में लिफ्ट 4 एरोब्रिज भी लगाए गए हैं और टर्मिनल में राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की झलक भी देखने वाले 3 स्तंभ लगाए गए हैं और स्तंभों के सामने राज्य की कलाकृतियों को भी दर्शाया गया है। सहस्त्रधारा से गौचर और चिन्याली सोड़ के लिए भी शुरू हो गए संचालन और साथ ही जौलीग्रांट से श्रीनगर और गोचर के लिए भी अब हवाई सेवा शुरू होगी। तो उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए समिट होगा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय यूकाडा के सहयोग से जौलीग्रांट एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर सम्मेलन होने जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे और जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर 4:00 इसका आयोजन किया जाएगा। देश के कई एविएशन कंपनियां इसमें शामिल होंगी और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार और कनेक्टिविटी बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुरेंद्र ढाका। सुरेंद्र जी, जब से मंत्रालय जो है उड्डयन विभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा गया है, हम देख रहे हैं कि लगातार कई सारे राज्यों को हवाई सेवा में काफी बड़ी सौगातें मिल चुकी हैं, चाहे फिर मध्य प्रदेश की बात कर ले या फिर और सारे राज्य की बात कर ले। आज उत्तराखंड को भी सौगात मिलने जा रही है, क्या ज्यादा जानकारी, कितना फायदा वहां की जनता को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? काफी पहले से चल रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार उसमें इसकी घोषणा कर दी थी, जब से और जो एक नए टर्मिनल का काम है 350 करोड़ का, ये नया टर्मिनल तैयार हो रहा है उसमें लगभग जो अब क्षमता या उड़ानों की है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है देश से एक बड़ी कनेक्टिविटी जो जाएगी उत्तराखंड के लिए, लगातार इसकी मांग प्रदेश की जनता कर रही थी और चिन्याली और गोचर श्रीनगर के लिए जो उड़ाने होंगी उससे पहाड़ी क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी उससे एक बड़ा लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री और केंद्रीय उड्डयन मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये सब लोग इसमें शामिल रहने वाले हैं और ये उद्घाटन जैसे यहाँ पहुंचेंगे। तो सुरेंद्र जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से इसको लेकर कार्य किया जा रहा था और जो कि अब लगभग पूरा हो चुका है और उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी स्वागत मिलने जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पहुंचेंगे, 4:00 इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो नेता हैं बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। तो नए टर्मिनल भवन का
लोकार्पण किया जाना है और कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू होगी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। और कई सारे ऐसे नए रूट हैं जहां पर अभी तक हवाई सेवा शुरू नहीं थी और अब वो सेवा शुरू की जाएगी, वहां के लिए भी फ्लाइट्स अवेलेबल होंगी, तो यात्रा पहले से और ज़्यादा आसान हो जाएगी उत्तराखंड वासियों के लिए और जो उत्तराखंड जाना चाहते हैं उनके लिए। और साथ ही ये एक बड़ी उपलब्धि के साथ साथ बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है उत्तराखंड वासियों के लिए। पहले के मुकाबले 10 गुना और ज़्यादा बेहतर होगी नई टर्मिनल और साथ ही 1800 पैसेंजर्स को एक साथ हैंडल किया जा सकता है और चेकिंग काउंटर की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और इसको सांस्कृतिक रूप भी दिया गया है। इसमें ब्रह्म कमल दिखाने जैसे 3 स्तंभ भी बनाए गए हैं, कलाकृतियों को भी दर्शाया गया है तो कई सारे ऐसे रूट हैं जहां पर हवाई यात्रा अब शुरू होने वाली है। उद्घाटन होगा उसके बाद से जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ाने भरेंगी। इससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कई सारे राज्यों को ऐसी सौगात दे चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कई सारे ऐसे रूट थे जहां पर फ्लाइट्स नहीं जाती थी, उनको भी शुरू किया गया और अब उत्तराखंड को नई टर्मिनल की सौगात मिलने जा रही है। और एक बार फिर से हमारे साथ में ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, नए रूटों की भी बात कही जा रही है कि जो अभी तक उन रूटों पर फ्लाइट्स नहीं जाया करती थी उन रूटों के लिए भी अब फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं, तो वो कौन कौन से रूट होंगे? और साथ ही ये भी बताइए कि जो सांस्कृतिक उनको एक तरह से रूप दिया गया है उसके बारे में भी चाहूंगी कि किस तरह का वहाँ पर इमारत बनकर तैयार की गई है, क्योंकि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अब जो है नए तरीके से उसे बनाया गया है और साथ ही पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी उसे बताया जा रहा है और पैसेंजर्स की संख्या भी उसमें बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है वो बहुत भव्य है और उसमें एक बड़ी चीजें आपको तो देखने को मिलेगी। जैसे ही उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है तो देवभूमि की एक पूरी झलक, बद्रीनाथ के दर्शन वहां होंगे, बाबा केदार के दर्शन वहां होंगे, हरिद्वार की जो गंगा है, भगवान शिव है उनकी दर्शन होंगे, गंगोत्री यमुनोत्री की भी जो झांकियां हैं वो वहां बनाई जाएंगी। और एक बड़ी बात कि जिस तरह राज्य का ब्रह्म कमल जो पुष्प है उसकी भी एक झलक देखने को मिलेगी कि जो पर्यटन विभाग है उसकी तरफ से एक ये तैयार हुआ है रोड मैप, उस पर काम हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि देश का जो भी पर्यटक या जो भी यहाँ घूमने लोग आएंगे उन्हें एक दूसर से ही एक फील आएगी कि उत्तराखंड वो देवभूमि में पधार चुके हैं। तो देवभूमि की एक लुक देने की जो तैयारी इस नए टर्मिनल में की गई है वो काफी भव्य है और इस पर तो मोदी सरकार ने और जो राज्य सरकार ने काम किया है वो बहुत अच्छा है और जो जो यात्रियों की संख्या है जो पहले कम थी अब वो भी बढ़ जाएगी, लगभग 1800 से ज्यादा पर डे यात्रियों की संख्या यहाँ हो जाएगी। तो एक जो 10 गुना बढ़ाने की बात वो कही गई है तो जाहिर सी बात है 10 गुना यात्री यहाँ बढ़ेंगे और 10 गुना भव्य ही ये जो टर्मिनल है वो बनकर तैयार हुआ है। अमन जी, अब जो एक और जो शुरुआत होगी तो श्रीनगर के लिए भी तैयारी है यहाँ से उड़ान शुरू करने की और जो आप देखेंगे सहदारा हेलीपैड है वहाँ हेली सेवाओं की भी शुरुआत करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, ताकि जो आवागमन का जो रूट है जिन लोगों को जल्दी जाना है और जो लोग प्रदेश में घूमना चाहते हैं और जल्दी घूमना चाहते हैं उनके लिए हेली सेवा का शुभारंभ भी आज होगा। इसमें सहदारा का जो हेलीपैड है वहाँ की उड़ाने भरा करेंगी और उसका रेट लिस्ट भी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। अमन जी, सुरेंद्र जी, यात्रा को सरल और सुगम बनाया जाएगा ये कहना था सरकार का और हमने देखा कि कई सारे ऐसे भी रूट थे जहां पर यात्रियों को बदल बदल कर फ्लाइट फिर उनको पहुंचना पड़ता था, तो क्या उसमें भी पहले के मुकाबले आसानी होगी अब? जी बिल्कुल, देखिए जिस आज व्यक्ति को जहां जाना है उसके लिए हर जगह के लिए सीधी फ्लाइट दी गई है, सीधी हेली सेवा दी गई है, तो एक बड़ी जो कनेक्टिविटी थी जो यात्रियों को दिक्कत आती थी बदलने की, तो शायद अब वो इतना बदलाव नहीं होगा। जब यात्री कम रहेंगे तब बदलाव की संभावना है कि तब उसे स्टॉपेज देके भेजा जाए, लेकिन अभी जो लग रहा है कि अभी सीधे रूट की जो रेट लिस्ट जारी हुई है वो सीधे रूट की रेट लिस्ट जारी हुई है और एक जगह से उड़ेगी, जो डेस्टिनेशन उनको पहुंचना है वहां वो
सीधे पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी सुविधा उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो उत्तराखंड के दर्शन करना चाहते हैं, उत्तराखंड घूमना चाहते हैं, एक बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से होने जा रही है, जिसका एक चुनावी लाभ भी मिलेगा। इस तरह एक अच्छा मैसेज देने की तैयारी है कि इतना तेजी से मोदी सरकार काम कर रही है, उसका एक इम्पैक्ट जरूर जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब चुनाव होगा तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस उत्तराखंड में जरूर रखा जाएगा और उन्हीं के फेस पर ये चुनाव लड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रही है। अमन जी, सुरेंद्र जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.